12 जून को कनाडा वर्सेस इंडिया का मुकाबला होना है और इससे पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टीम इंडिया को धमकी दे दी है। भारत जैसी मजबूत टीम को हराने की बात कहने वाले जस्टिन ट्रूडो की बात पर सच में आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को औकात दिखाने की बात कही है उसको सुनकर तो आपको गुस्सा आना तय है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने किस तरीके से टीम इंडिया के प्रति धमकी भरे बयान दिए हैं, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में इस वक्त टीम इंडिया शानदार रिदम में है। पहले भारतीय टीम ने आयरलैंड को धोया, इसके बाद एक सांसें रोक देने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में धूल चटा दी। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भला कौन भूल पाएगा, जहां पर टीम इंडिया ने ग्रेटेस्ट कमबैक किया था। टीम इंडिया अपने ग्रुप में टेबल टॉपर है और भारतीय टीम आसानी से सुपर 8 में पहुंचने वाली है। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेलेगी। कनाडा पहली बार टीम इंडिया का सामना करेगी और आपको ये भी पता होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ खास अच्छे हैं नहीं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत पर हमेशा जहर उगलते रहते हैं और इसी के चलते भारत और कनाडा का मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हाई वोल्टेज हो गया है। कनाडा की टीम तो हर हाल में भारतीय टीम को हराना चाहेगी, लेकिन उनके लिए ये राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, लगभग नामुमकिन है। कनाडा अभी जहाँ जहाँ क्रिकेट खेलना सीखा है तो वही भारतीय टीम इस खेल की बेताज बादशाह है। लेकिन भारत और कनाडा के बीच मुकाबले से ठीक पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने टीम इंडिया के प्रति बयान देते हुए कहा, मुझे यकीन है हमारी कनाडा की टीम जरूर अच्छा खेलेगी और भारत को तो जरूर हराएगी। मुझे पता है भारतीय टीम एक मजबूत टीम है, क्रिकेट में उन्हें हराना आसान नहीं है, पर उन्हें उनका घमंड ले डूबेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी टीम के खिलाफ घमंड में ही खेलेंगे और इसी का फायदा उठाते हुए हमारी टीम उनको औकात दिखा देगी। मैं भारत और कनाडा का मुकाबला देखने के लिए टाइम निकालूंगा जरूर। मैं किसी भी हाल में भारत को हारते हुए देखना चाहता हूँ। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से बयान दिया है सच में वो हंसी के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम को औकात दिखाने वाली बात कहकर भारतीयों को गुस्सा कर दिया है। ये बात तो कंफर्म है कि टीम इंडिया ही कनाडा के खिलाफ जीत हासिल करने वाली है। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से कनाडा को धोती है। तो आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर हार्दिक पांड्या? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।